morning student, मैं अनुराग कुमार नरुरिया आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महल। आज हम मानक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। गणित में मानक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? मानक इकाइयों के अंतर्गत हम भारतीय मुद्रा के बारे में बात करेंगे। भारतीय मुद्रा, हम भारतीय मुद्रा के बारे में थोड़ा तो समझते हैं, ठीक है। भारतीय मुद्रा से तात्पर्य भारत में प्रचलित सिक्के व नोटों से है, जिसमें हमारी लेन देन की क्रियाएं होती हैं। भारत देश में भारत सरकार द्वारा सिक्के व नोट जारी किए जाते हैं, ठीक है। सिक्के व नोट जारी किए जाते हैं, सिक्के और नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसकी मानक इकाइयाँ रुपया व पैसा होती हैं, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एक रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई है। एक रुपया बराबर 100 पैसे, ठीक है। हमारे देश में एक पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 2000 रुपये, इतनी मुद्रा सिक्के व नोट के रूप में मिलती है, ठीक है। या ये सारी मुद्रा हमारे भारत में प्रचलन में हैं, ठीक है। कुछ हमारे प्रचलन से गायब भी हो चुकी हैं कुछ मुद्राएं, जैसे 1000 का नोट हमारी मुद्रा से गायब हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके बारे में हल्का सा थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी लेन देन करते हैं, अधिकतर उसमें हम रुपये और पैसे का इस्तेमाल अधिकतर होता है। देखते हैं, 1 रुपये में सबसे पहले आते हैं, 1 रुपये की बात होगी। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 रुपये में 50 पैसे। 1 रुपये में 50 पैसे, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 रुपये में। नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपये में 20 पैसे, 20 पैसे के 5 सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 रुपये में 10 पैसे। 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। ये इनका हम मान कह लें या मुद्रा कह लें, रुपया। रुपये में आने के लिए अगर हम 10 पैसे की बात, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। 1 रुपये में 50 पैसे की 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 20 पैसे की 5 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 10 पैसे की 10 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 5 पैसे की 20 सिक्के होते हैं, ठीक है। ये हमारी इकाइयाँ थी 1 रुपये की। भारतीय मुद्रा के अंतर्गत छोटी से छोटी इकाई में 1 रुपये में कन्वर्ट पैसे को रुपये में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों पर। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारे रुपये से, भारतीय मुद्रा से प्रश्नों से संबंधित प्रश्न होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।